फाइनेंशियल एक्सपर्ट पार्थो के फ्यूचर के लिए ज्यादा कंसर्न थे। बात बढ़ी सॉल्यूशंस की ओर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देन द वे आउट फॉर हिम। मेरे ख्याल से ही शुड सेटल फॉर सम स्टेडी इनकम जॉब। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस द इनकम इज स्टेडी, यू कैन नॉट प्लान योर फ्यूचर लिक्विडेशन और कैश फ्लोस। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सॉल्यूशन का ये पहला भाग था। पार्थो को नौकरी की सख्त जरूरत थी। अगर 50,000 उसकी इनकम हो जाती है पर मंथ, तो 25,000 शुड गो स्ट्रेट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज व्हिचएवर इट इज। अगर ये दोनों चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, देन बैलेंस अमाउंट 25,000 से ही कैन बिल्ड हिमसेल्फ बैक। आई विल स्ट्रक्चर इट लाइक दिस, वेदर ही कैन सेल द कार, राइट, ही कैन गो फॉर अ बाइक और समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कितने उसको पैसे मिलते हैं। इफ ही गेट्स 220 कार के सेल से मिल जाता है, तो इन वन स्ट्रोक ही कम्स आउट ऑफ टू डेट्स। वन इज द कार लोन एंड सेकेंडली इज दिस कॉस्टली डेट ऑफ 48%। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सोल्यूशन का ये दूसरा भाग था। अगर कार बिक जाती है तो उस पैसे से ये कार लोन की आउटस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं और एक वो बड़ा लोन क्लियर कर सकते हैं जिस पर ये 48% रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं। फर्ज करिए जॉब नहीं मिलता, दिस गोल्ड कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग गोल्ड लोन फ्रॉम बैंक। इट्स अबाउट 2 लाख। अगर 75% 25% मार्जिन भी रखते हैं तो ही कैन गेट 175। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सोल्यूशन का ये तीसरा भाग था। पार्थो को घर में पड़े सोने को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन ले लेना चाहिए। इससे सबसे क्या अच्छा होगा कि ही कैन रेगुलराइज ऑल दीज आउटस्टैंडिंग्स। एक चीज लाइफ में हमेशा करनी चाहिए, जैसे दो चीजें हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सोल्यूशंस का एक दूसरा पहलू भी था, पार्थो के फ्यूचर का। एक तो मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए फॉर द फैमिली। अभी तो कोई खर्च अगर आ गया तो ये विल बी रियली इन सीरियस ट्रबल। सेकेंडली सेविंग्स का एक, उसको 3 months expenses या 6 months expenses का एक बैकअप होना उसका बहुत जरूरी है। माय मैसेज टू पार्थो इज, पार्थो लिसन टू अस सीरियसली एंड आई थिंक सुरभि विल बी टॉकिंग टू यू एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन कम आउट ऑफ द वुड्स। माय बेस्ट ऑफ विशेस टू यू। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सॉल्यूशंस और बेस्ट विशेस लेकर लाइफ गुरु निकल पड़े वापस पार्थो के शहर। छिपी हुई बातें सामने आ गई थी। बाप और बेटे में तनाव बढ़ चुका था, शायद पति और पत्नी में भी। इसी माहौल में लाइफ गुरु फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सॉल्यूशंस लेकर पार्थो के घर पहुंचे। अब देखते हैं क्या हुआ जब लाइफ गुरु ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सॉल्यूशंस पार्थो की फैमिली को पेश किए। इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं पार्थो से, कुछ बताऊं प्लानर्स ने क्या बोला, आई वांट टू आस्क यू, आपको पता है कि सिचुएशन क्या है अभी? लाइफ गुरु पार्थो के पिता को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे। डेट क्रेडिट कार्ड पोजीशन इज, ही इज नॉट एबल टू पे फुल ये पेमेंट एंड अदर थिंग्स, ईएमआई इज आल्सो देयर, ही इज आल्सो अनएबल टू पे आई थिंक। गौर कीजिए इस जवाब पर, थोड़ा सा शक है और थोड़ा सा दुख भी। पार्थो यू नॉट गोइंग टू लाइक मी फॉर दिस, बट आई एम पुटिंग ऑल द कार्ड्स राइट नाउ ऑन द टेबल। सर जो जिस हम पूरे डेट की बात कर रहे हैं वो 8 लाख से ऊपर का है। एक एक करके लाइफ गुरु ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सुझाव पार्थो की फैमिली के सामने रखने शुरू किए। पॉइंट नंबर 1, इनकम जनरेशन नीड्स टू स्टार्ट इमीडिएटली। प्लानर से पार्थो, डोंट इवन रन आफ्टर हायर सैलरी जॉब्स, व्हाटएवर यू गेटिंग कंफर्म्ड राइट नाउ, फॉर नाउ ग्रैब इट। अच्छी बात ये थी कि हमारे एपिसोड शूट करने के दौरान ही पार्थो की नौकरी की खोज शुरू हो चुकी थी। नाउ लेट्स कम टू टैकलिंग द प्रॉब्लम हेड ऑन। 8 लाख से ऊपर का लोन है, 8,23,000। एसेट्स कोई ज्यादा है नहीं, एक एसेट है वो है कार। प्लानर्स आर वेरी क्लियर, पार्थो द कार नीड्स टू गो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के इस सुझाव को भी पार्थो के परिवार ने स्वीकार लिया। हमेशा हम एडवाइस देते हैं कि अपने हाई रेट इंटरेस्ट जो भी लोन्स हैं, जो भी बोरोइंग्स हैं, उनको खत्म करिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अगला सुझाव घर के सोने से ताल्लुक रखता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है सर। देखिए, ही विल बी पेइंग ओनली 11-12% ऑन दैट लोन अगेंस्ट गोल्ड। मोटे तौर पर पार्थो और उनके परिवार ने
लाइफ गुरु द्वारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के दिए गए सारे सुझाव स्वीकार कर लिए। पर बात सिर्फ सॉल्यूशंस की नहीं थी, क्या पूरी बात जानने के बाद बाप और बेटे के रिश्ते वही रहे? देखते रहिए। सॉल्यूशन तो हमने दे दिया, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। We noticed some tension within the family. थोड़ा फ्रिक्शन नजर आया पार्थो और उनके फादर के बीच, और थोड़ा कुछ ऐसा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स पार्थो और उनकी वाइफ के बीच जहाँ थोड़ा टेंशन था। एंड दिस रियली वरीड अस बिकॉज वेरी ऑब्वियसली वी डिडंट वांट द बॉन्ड इन द फैमिली टू गेट डिस्टर्ब्ड इन एनी मैनर। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। पार्थो भी अभी एडल्ट है और वो सिचुएशन को समझ सका है। एक बात जो सॉल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है वो ये है कि इस लड़के ने सच नहीं बोला है। The city had different ideas. Angry तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिचुएशन जो है शायद कोई डिफिकल्टी होगी उसकी, इसीलिए वो उसने ऐसा किया है। Boy has not been honest and truthful to his family, to his father, and to his wife. I think he will tackle everything. Sorry, Dad. I mean, this was unintentional, and it all happened in the, you know, flow of what you say again, that bad destiny. जैसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने सोचा था, कुछ ही दिनों में जवाब भी आने लगे। समय आ गया था सॉल्यूशंस को लागू करने का। जब तक हमारा एपिसोड का शूटिंग खत्म हुआ, पार्थो को इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो गए थे। पार्थो को नौकरी मिलना अब कोई दूर नहीं था। As I see things and as the financial planners have gone through the case, this is the one and only asset that you have and you need to liquidate it right now. अभी गाड़ी बेचने के अलावा कोई चांस नहीं लगता है। फिर आया सॉल्यूशन का दूसरा भाग, कार को बेच डालना। मैं कुछ कार डीलर से भी बात करती हूँ, कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, एंड वी नीड टू गेट अ प्रॉपर वैल्यूएशन डन ऑफ योर कार, लेट्स सी हाउ मच दे से। इसमें लाइफ गुरु ने खुद पहल की डीलर से बात करके। हमको एक कार बेचनी है, वेन एस्टेलो मारुति, इट्स इन फेयरली गुड कंडीशन, इट्स अ न्यू मॉडल, इट्स 2 years ओल्ड एंड इट हैजंट रन मच। Can you give me a ballpark estimate? Offhand, can you give me an estimate? कुछ idea दे सकते हैं? पार्थो का हौसला बढ़ने लगा था, confidence बढ़ने लगा था। हाँ, हमने owner से बात कर ली है, owner तैयार हैं, लेकिन decision बहुत जल्दी लेना है। We need to get it done very quickly. सिलसिला शुरू हो चुका था। पार्थो ने अलग अलग डीलर्स के पास जाकर कार का वैल्यूएशन कराया।
As a part of the initial process, I got my car valued here at about 2,10,000. अच्छे दाम मिलने भी शुरू हो गए थे. However, I'll still speak to few more dealers in order to get the proper valuation. I think I'll can fetch a better price than that. I'll dispose my car at a value of about 2,40,000. ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद ऑब्वियसली हमें आगे देखना है कि आगे क्या कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सॉल्यूशंस का तीसरा भाग था सोने को गिरवी रखना, मॉर्टगेज करना. सो पार्थो ने उसका वैल्यूएशन कराना भी शुरू कर दिया. क्रेडिट कार्ड लोन्स आपको पता नहीं, मालूम भी है कि नहीं मालूम है, इनके कुछ लोन्स हैं उनपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 48% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. I mean, does it make any sense कि 48% मतलब लोन तो लोन, उसके ऊपर आधा लोन का अमाउंट आप एज अ यू नो इंटरेस्ट उतना और दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है. पार्थो के जो क्रेडिट कार्ड और लोन आउटस्टैंडिंग्स थे उनको क्लियर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया था. So the sooner you can send them the better it is, because by tomorrow we need to take a final call on this. जब तक ये एपिसोड हमने फाइल किया, पार्थो को एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी. उम्मीद की किरण घर वापस आ गई थी, चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस लौट आई थी. छोटी उम्र में कई बार छोटी गलतियां हो जाती हैं और पार्थो के साथ भी ऐसा हुआ. वो बिल्कुल पैसे को समझ नहीं पाए. ही वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस. ही मेड मेनी मिस्टेक्स, सम नोइंगली सम अननोइंगली. बट जब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए तब डेट टू लाइफ टीम उनके साथ थी एंड ही मैनेज टू ओवरकम द ऑड्स. टुडे ही इज अ मच हैप्पियर पर्सन. आप अपने बारे में आप सोचिए, थिंक अबाउट योर सेल्फ. क्या सिचुएशन है आपकी? क्या आपने ऐसी गलतियां पहले की हैं या अभी आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं? क्या आप कंफ्यूज हैं? इफ दैट इज अ स्टोरी, देन जस्ट गेट इन टच विद अस, राइट टू अस, कॉल अस. And the Debt to Life team is going to be there for you and help you overcome the odds.